हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा के बारे में आपने देखा होगा कि इसका शेयर पिछले एक वीक में साढ़े तीन परसेंट से भी ज्यादा गिरा है तो हम आज उन कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से ये शेयर गिरा है उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे रहे इसके ऑगस्ट के ऑटो सेल्स नंबर और सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो ऑटो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और अंत में ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या ऑपरचुनिटी है इसको खरीदने की या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इंडियन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है ये मैन्युफैक्चर uh, करता है पैसेंजर कार्स कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 92,000 करोड़ है जो कि इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास फोर्टी फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास छब्बीस परसेंट प्रमोटर के पास उन्नीस और बाकी का हिस्सा चौदह रिटेल इन्वेस्टर के पास है और फॉरन uh, इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को पीछे थोड़ा बहुत बढ़ाया है फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर से बड़ा है और उसका रीजन यही है कि पिछले साल बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और ऑटो सेल्स पूरी तरह से इम्पैक्ट हुई थी फिर आपने देखा होगा दिसंबर और मार्च में इसकी इसका रेवेन्यू बढ़ा लेकिन जून में फिर कम हुआ है और उसका वही रीजन है कि सेकेंड कोविड वेव ने दोबारा इम्पैक्ट किया हालांकि इतना नहीं किया जितना पिछले साल किया था प्रॉफिट पे भी सेम असर है पिछले साल इनको इनको लॉस हुआ था क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इनकी थी और सेल्स नहीं हुई थी फिर दिसंबर और मार्च में रिकवरी की लेकिन अब जून में दोबारा से बिकॉज ऑफ सेकेंड कोविड वेव इनको थोड़ा सा प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और अगर इनके शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वीक में इसने साढ़े तीन परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखी है और तीन महीने में ऑलमोस्ट एक पौने सात परसेंट गिरा है तो आगे के स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से इस शेयर में गिरावट देखी गई है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इनके शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई जब इन्होंने अगस्त सेल्स के नंबर रिलीज किए तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी उसमें अगर आप देखें तो ये नंबर हैं जो आप शीट पे देख सकते हैं इनके पैसेंजर प्लस कमर्शियल व्हीकल ऑलमोस्ट तीस इन्होंने तो टोटल यूनिट सेल की इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट और ट्रैक्टर 21,000 के आसपास इन्होंने सेल किए और इनका देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनका पिछले साल से 17 परसेंट इंक्रीज हुआ सेल में और एक्सपोर्ट भी इनके एक परसेंट बढ़े और इनके जो थार और एक्स यू मॉडल्स हैं उस उसमें भी अच्छी सेल्स देखी गई और इनके जो नए लॉन्चेस थे बोलेरो न्यू एंड बोलेरो पिकअप उनको भी इम्प्रेसिव बुकिंग देखी गई उनके एरिया में भी और अगस्त में इन्होंने रिवील किया कि भाई ये एक्स 700 सेवन ओ ओ रिलीज करने वाले हैं जिसका कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट है तो ओवरऑल अच्छा था हालांकि इसके ट्रैक्टर के नंबर तेरह परसेंट नीचे गिरे तो ये परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी ट्रैक्टर में इसलिए कमी देखी गई क्योंकि पिछले साल खरीफ की फसल अच्छी हुई थी जिसकी वजह से ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई थी और हाई बेस की वजह से इस साल थोड़ी कमी देखी गई तो नंबर के बाद भी शेयर ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया था लेकिन उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि ये अपनी प्रोडक्शन घटाएंगे और इसलिए घटाएंगे क्योंकि इनको चिप मिलने में मुश्किल हो रही है आपने अभी पीछे सुना होगा कि चिप की वजह से सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं उसकी वजह से ऑटो की कंपनीज काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रही हैं तो आज हम ये समझेंगे कि ये चिप इशू है क्या तो एक्चुअली में जो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं ये ऑटो या कार्स में ये यूज होते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ड्राइवर असिस्टेंस के लिए नेविगेशन के लिए और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स जो इंजन कंट्रोल यूनिट के अलावा होते हैं उन सब के लिए ये यूज होते हैं और अभी क्या देखा जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री में इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और ये इसका कारण है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और नए मॉडल जितने भी आ रहे हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर के साथ आ रहे हैं जिसकी वजह से सेमी की डिमांड बढ़ गई है हालांकि आप आ, कोई जानकर मे भी हैरानी हो कि सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री ही सेमी यूज नहीं करती है ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ 10 परसेंट जितने भी सेमीकंडक्टर की डिमांड होती है उसका यूज करती है बाकी कहाँ यूज होते हैं वो होते हैं कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज हो गई या गैजेट इंडस्ट्री हो गई मोबाइल फोन हो गए लैपटॉप हो गए तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि अगर ये इतनी डिमांड में है तो इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा तो उसके रीजन है एक तो कोविड आया जिसकी वजह से जो कंपनीज सेमीकंडक्टर बनाती हैं उनकी प्रोडक्शन में काफी कमी देखी गई दूसरा रीजन ये है कि जब कोविड आया तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज की डिमांड बढ़ गई बच्चों ने गेम्स ज्यादा खेले लैपटॉप की डिमांड बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज की डिमांड बढ़ी और लोग घर से काम कर रहे थे तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट था तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी सप्लाई कम हुई कोविड की वजह से और इसके अलावा जो ऑटो इंडस्ट्री है उसका भी इतनी तेजी से रिकवरी दिखाएगी कोविड के बाद सेमीकंडक्टर मेकर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि भाई चलो डिमांड बढ़ गई वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसमें क्यों कोई नए प्लेयर नहीं आ जाते या अगर डिमांड ज्यादा है तो हम कैसे इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसके एक्चुअली बहुत ही कम प्लेयर है और आपको जान के हैरानी होगी कि यूएस किसी टाइम इसका थर्टी प्रोड्यूसर होता था अब उनका शेयर सिर्फ 12 परसेंट रह गया है तो इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो ताइवान और साउथ कोरिया हैं तो इस वजह से ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सेमीकंडक्टर बनाना ऐसे आप क्विकली नहीं कर सकते और बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी किसी भी कंट्री में इसको इस इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया हम रिलाय कर रहे थे ताइवान साउथ कोरिया और लिटिल बिट यूएस पे लेकिन अब देखा जा रहा है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास प्लेयर नहीं है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कि मेच्योर होने में टाइम लगता है हालांकि अब चाइना जो कि शुरू में इसका एक बड़ा प्लेयर नहीं था वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले कुछ सालों में उम्मीद की जा रही है कि दो में कभी या दो के अंत तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी तो ये एक प्रॉब्लम सोचने में लग रहा होगा कि छोटी सी है कि भाई चिप अगर नहीं है तो जल्दी बन जाएगी बट इसको अभी टाइम लगेगा और इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी कुछ टाइम के लिए हालांकि धीरे धीरे ये इंप्रूव होनी चाहिए तो अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि ठीक है जी सेमीकंडक्टर की इशू चल रहा है बट एमएनएम में स्पेसिफिकली क्या है तो एम एन एम में स्पेसिफिकली ये इशू नहीं है ये सारे ही ऑटो प्लेयर्स को तंग कर रहा है टाटा मोटर्स ने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे मारुति सुजुकी ने तो ये भी बोला है कि वो अपनी प्रोडक्शन को 60 परसेंट तक गिरा देंगे तो वो 40 परसेंट कैपेसिटी पे काम करेंगे तो एम एन एम एक अकेला प्लेयर नहीं है इस ये प्रॉब्लम सारे ही ऑटो प्लेयर को और वर्ल्ड वाइड दिक्कत कर रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में कर रही है तो ये प्रॉब्लम है इसके अलावा एम ने बोला है कि ये सात दिन की प्रोडक्शन बंद करेंगे जो कि इनके प्रोडक्शन को ओवरऑल वॉल्यूम को 20-25 परसेंट तक इम्पैक्ट करेगी और सेम चीज इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट करेगी अराउंड 20-25 परसेंट जो कि मेन कारण है इसके शेयर प्राइस में गिरावट आने का अब नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट ये है कि कंपनी कह रही है कि भाई हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लेंगे ताकि हमारे को मिनिमम इम्पेक्ट हो और इसके अलावा जो इनकी मच अवेटेड एक्स यू वी सेवन ओ ओ की प्रोडक्शन है उसका इससे ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए और वो डेट उसकी जो भी लॉन्च डेट है बहुत ही जल्दी अनाउंस करेंगे इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में एक्सपोर्ट्स में ट्रक्स में और बसेस में जहां पे चिप्स चिप का थोड़ा कम यूज होता है उधर या थ्री व्हीलर प्रोडक्शन में वो अनअफेक्टेड रहेगा इस प्रॉब्लम से और वहां पर जितनी भी प्रोडक्शन होनी चाहिए वो होगी और इसके अलावा वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन आएगा और उससे ओवरऑल इनकी सेल्स इंप्रूव होगी तो आने वाले टाइम में जो ये लॉस होगा सितंबर मंथ में वो ये रिकवर करेंगे विद द फेस्टिवल सीजन अप्रोचिंग तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है अब अगर हम डिस्कस करें कि भाई इसका शेयर हमें खरीदना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करना चाहिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि पास परफॉर्मेंस जैसे हमने पिछले पेज पे भी डिस्कस किया कि ये ऑलमोस्ट तीन महीने में सात परसेंट तक गिर गया है और अगर हम इस पूरे साल में जनवरी से देखें तो सिर्फ चार परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है जबकि और शेयर्स में आपने देखा होगा कि बहुत मेजर गेन देखा गया है और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की बात सुने तो वो कहते हैं कि इसका मीडियम प्राइस वो देखते हैं 975 के आसपास जो कि करंट प्राइस से 30 परसेंट लगभग ऊपर है और अगर हाई साइड पे तो वो 1175 देख रहे हैं तो छप्पन परसेंट ऊपर हालांकि लो पे वो 639 भी कुछ बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही आ, लेकिन मीडियम प्राइस को अगर हम नॉर्मली माने जिसपे की मोस्ट ऑफ एनालिस्ट सहमति जताते हैं तो ये 975 तक का दम रखता है जाने का और अगर मेरा व्यू आप जानना चाहें तो इसमें ये है कि भाई देखो एक तो सॉलिड मैनेजमेंट है मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है डिसेंट करेक्शन हो चुकी है आ, पिछले तीन महीने में सात परसेंट के आसपास पिछले एक वीक में साढ़े तीन चार परसेंट नीचे आ चुका है और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एम एन एम को नहीं है हाँ एक ये एक यूनिक प्रॉब्लम होती होती जो कंपनी के साथ होती तो हमारा को सोचना पड़ता बट ये सारे प्लेयर को कर रही है तो ओवरऑल धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होगी और ऐसा नहीं कि इनका शेयर कोई और ले जाएगा क्योंकि ये सब प्लेयर्स को इम्पैक्ट कर रही है और इसके अलावा इनके जो नए प्रोडक्ट अभी इन्होंने लाए हैं पिकअप या बोलेरो नियो उनकी डिमांड काफी देखी गई है लोग बुकिंग करा रहे हैं और एक्स यू सेवन एक्साइटेड अबाउट इट तो मुझे ऐसे लगता है इन माई पर्सनल ओपिनियन कंपनी अच्छी है और ये बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी दे रही है मेरे हिसाब से जब भी मौका मिले इसमें शेयर खरीदने चाहिए अगर और गिरे तो और भी भरना चाहिए क्योंकि जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगेंगी इनकी सेल्स इंप्रूव होगी फेस्टिवल की सीजन uh, में तो ये शेयर भागना चाहिए बट अगेन लाइक वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल uh, एडवाइजर से बात कीजिए अपनी और रिसर्च कीजिए और तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थैंक्स सो मच अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल